हेलो दोस्तों स्वागत so, है आप सभी का टू द पॉइंट के इकोनॉमी के सेशंस में हमने पिछले चंद चैप्टर्स में प्लानिंग के बारे में बात किया हुआ था आज के इस सेशन में या फिर आज के इस वीडियो में हम प्लानिंग का क्रिटिकल एवेल्यूएशन करने की कोशिश करेंगे जानेंगे कि दरअसल ये प्लानिंग कितना सक्सेसफुल था और इसका सक्सेसर जो है नीति आयोग हम आगे के चैप्टर में इसके बारे में बात करेंगे तो फिलहाल के लिए वो प्लानिंग कितना सक्सेसफुल था कौन से कौन से क्रूशियल इनपुट्स हमें दिए गए थे प्लानिंग का कंक्लूजन जो है इंडिया में बनता क्या है उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने की कोशिश करेंगे तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहली चीज़ जैसा कि आप सभी को पता है कि प्लानिंग 1950 में इंप्लीमेंट किया गया था प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश किया गया था थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो सबसे ही तब से ही जो है हम अब फाइव ईयर प्लान्स यानी कि पंचवर्षीय योजना फॉलो कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि 12 मेजर प्लान्स थे ठीक है 2015 में नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया हुआ था तो उस 12 मेजर प्लान के सबसे बड़े ऑब्जेक्टिव्स क्या थे दरअसल प्लानिंग का कॉन्सेप्ट ही किस लिए था इंडिया में सबसे पहला इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही बहुत ही बुरी थी आज इंडिया ऑन एन एवरेज 7.5 से लेकर 8 परसेंट तक जीडीपी का ग्रोथ है लेकिन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वी वर समवेयर अराउंड 2.5 टू 3 परसेंट ऑफ द ग्रोथ तो ये तो बहुत ही बुरी हालत में थे वन ऑफ द रीजन वाज टू एक्सेलरेट दिस वेरी ग्रोथ रेट रिमूवल ऑफ पॉवर्टी लिटरली 60 टू 70 परसेंट या फिर इससे भी ज़्यादा हो सकता है द पॉवर्टी रेट्स फॉर टू हाई इन इंडिया एंड दिस हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू थर्टी परसेंट एज़ पर तेंडुलकर कमेटी रिपोर्ट 2009 बिलो पॉवर्टी लाइन के जो पर्सनस हैं या फिर पॉपुलेशन है वो 30 परसेंट के अराउंड है सो दिस हैज ऑल्सो बीन वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग विच वी हैव अचीवड रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आज कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट फोर पॉइंट फाइव परसेंट के आसपास है लेकिन यह बहुत ही रैपिड था इट वॉज समवेर अराउंड फिफ्टीन टू ट्वेंटी परसेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस सस्टेनेबल ग्रोथ दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स नेशनल लेवल स्टेट लेवल भी लॉन्च किए गए थे फॉर दिस इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आज हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं समवेद दे ऑल हैव बीन वन और द अदर वेज थ्रू विच प्लानिंग हैज़ अचीवड दिस फीट मॉडर्नाइजेशन हमें मॉडर्नाइजेशन करने में भी प्लानिंग का बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्टिव था और योगदान था सेल्फ रिलायंस आज इंडिया uh, माना के 30 परसेंट पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है लेकिन आज इंडिया एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी है एज फार एज फूड ग्रेन्स आर कंसर्न हमें किसी फॉरेन कंट्री पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है एंड दीज आर द की ऑब्जेक्टिवज़ दैट प्लानिंग वॉज एक्चुअली थिंकिंग टू अचीव इन इंडिया एंड मोर प्रोबली इट हैज़ अचीव्ड द अचीवमेंट्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया तो अभी हमने ऑब्जेक्टिव्स तो देखा अचीवमेंट्स भी देख लेते हैं इट सक्सेसफुली रिवर्स द ट्रेंडिंग ऑफ फॉलिंग पर कैपिटा इनकम्स आज इंडिया का एवरेज पर कैपिटा इनकम इज थम अराउंड थर्टी थ्री थाउजेंड एवरेज तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही बड़ा इंक्रीज था क्योंकि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ये बहुत ही कम था द सॉलिड बेस फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट वॉज लेड इन द फर्स्ट फिफ्टी ईयर इट सेल्फ इंडिया जैसा एक कंट्री जो 1947 में पार्टीशन का मारा था मास माइग्रेशन था पॉवर्टी सभी था अग्रेरियन इकोनॉमी था डिस्पाइट हैविंग ऑल दिस ऑब्सिकल एक बहुत ही सॉलिड सा डेवलपमेंट बनाया गया फर्दर के लिए स्टीडी ग्रोथ रेट्स हैव बीन अचीवड अभी मैंने इसके बारे में कहा कि फ्रॉम 3.5 पॉइंट फाइव परसेंट इन नाइनटीन फिफ्टीज टू फाइव पॉइंट फाइव परसेंट इन नाइनटीन एटीज सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट इन नाइनटीन नाइन्टीज टू सेवन पॉइंट फाइव परसेंट इन टू थाउजेंस तो ऑन एन एवरेज टू थाउजेंड एंड टेन से तो एट परसेंट का ग्रोथ रेट इंडिया रिकॉर्ड कर ही रहा है फूड सिक्योरिटी इज नो लॉन्गर अ मैटर ऑफ कंसर्न याद कीजिएगा जब बांग्लाश लिबरेश, लिबरेशन वॉर चल रहा था तो पी एल फोर एटी नाम का एक स्कीम चलता था जिसके तहत अमेरिका इंडिया को फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करता था और उन्होंने उसे रोक लिया हुआ था क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि पाकिस्तान की हार हो बाला लिबरेशन वॉर में पाकिस्तान की तरफ से वो लॉबिंग कर रहा था तो आज इस तरीके का कंसर्न uh, हमारे पास नहीं है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पास हो चुका है वी आर वेरी मच इन सरप्लेस ऑफ फूड ग्रेन्स इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी है हैल्सो बिन ब्रॉड डाउन सक्सेसफुली माना के थर्टी परसेंट बिलो पॉवर्टी लाइन है लेकिन जाहिर सी बात है कि इस नंबर को भी डिक्रीज किया जाएगा की सोशल इंडिकेटर सच एज मैटरनल मोटेलिटी रेट इन्फेंट मोटेलिटी रेट एक्सेट्रा ऑल्सो बीन ब्रॉड डाउन इवन दिस इज ट्रू ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन टू इंडिया हेज ऑल्सो बीन पॉसिबल ओनली थ्रू द कंटिन्यूस एफर्ट्स ऑफ प्लानिंग एंड इंडिया बींग अ प्लैंड इकोनॉमी तो नीति आयोग ने भले ही प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस क्यों ना किया हो नीति आयोग भी इसी प्लैंड इकोमी को लेकर आगे बढ़ने की कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को इंडिया में आगे बढ़ाने की बात करता है वॉट नीति आयोग एंड प्लानिंग नीड्स तो अभी तो फिलहाल प्लानिंग कमीशन नहीं है 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जैसा ही प्राइम मिनिस्टरशिप उन्होंने ली हाथ में तो उन्होंने इस प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश किया और नीति आयोग एक थिंक टैंक जो है उन्होंने उसकी जगह पर रखाया हुआ है नीति आयोग इज अ लिटिल बिट फर्दर एडवांस्ड कॉन्सेप्ट दैन प्लानिंग चेंज इन प्लानिंग मेथोडोलॉजी रिक्वायर्स टू सूट द चेंजिंग टाइम सबसे बड़ा ड्रॉबैक इंडिया के प्लानिंग सिस्टम का यही है कि हमारे मेथोडोलॉजी में चेंज नहीं है अभी भी नाइनटीन और सेवेंटीज़ के ही मेथड्स हम फॉलो करते हैं डेटा अपडेटेड हमारे पास नहीं है इंटर सेक्टोरल बैलेंसिंग एंड इंडिकेटिव प्लानिंग मस्ट बी प्रायोरिटी हर सेक्टर के अपने अपने नीड्स होते हैं वन साइड फिट्स फॉर एवरी वन इज नॉट समथिंग विच वी शुड यूज लेकिन आज भी इसी तरीके के प्लानिंग के सिस्टम को हम फॉलो करते हैं सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट्स नीड्स टू तो बी रीविजिटेड हर किसी के सेक्टर की चाहे वो इंडस्ट्री हो सर्विस सेक्टर हो एग्रीकल्चर हो अलाइड एक्टिविटीज हो हर सेक्टर के अपने अपने नीड्स और उनके इन्वेस्टमेंट नीड्स अलग होते हैं तो इसे भी रीविजिट करना जरूरी है डिसाइड वेदर टू तो हैव अ कंट्रोल्ड और डिरेक्टेड इकोनमी क्या सरकार मार्केट में एक मेजर प्लेयर बनना चाहता है या फिर सरकार मार्केट को सिर्फ रेगुलेट करना चाहता है या फिर सरकार मार्केट में स्पेक्टेटर बनकर रहना चाहता है दिस वन वी हैव टू डिसाइड क्योंकि एक पर हमें हम पहुंचे नहीं है हमें सही तौर पर पता नहीं है कि कौन से वो एक्टिविटीज हैं जो भारत सरकार करना चाहता है क्योंकि यह हर जगह कहीं ना कहीं मार्केट में मेजर प्लेयर की तरह भी दिखने को मिलता है सरकार रेगुलेटर की तरह भी दिखता है और कई बार साइलेंट स्पेक्टेटर भी दिखता है तो एक क्लियरिटी हमें बता दें कि वेदर यू वॉन्ट कंट्रोल्ड और अ डिरेक्टेड इकोनॉमी तो so, ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी क्रिटिकल एवेलुएशन ऑफ प्लानिंग के बारे में अगले चैप्टर में हम नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो